नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के बारे में, जिसकी वैकेंसी ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकली है और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। तो जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है वो असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर ONM मैकेनिकल, असिस्टेंट मैनेजर ONM मैकेनिकल CHP, असिस्टेंट मैनेजर ONM मैकेनिकल AHP, असिस्टेंट मैनेजर ONM इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर ONM इलेक्ट्रिकल CHP, असिस्टेंट मैनेजर ONM CNI, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल CNRA। जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी उसका एड्रेस यहाँ पे गिवन है, जो है सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, XIM यूनिवर्सिटी, जेवियर स्क्वायर, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा 751023। अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न एनेक्सर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अन्य के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन गिवन है, जिसको आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी गिवन है, जो है www.opgc.co.in। जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो 5 जून 2022 से इसके एप्लीकेशन की सबमिशन स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट है वो है 26 जून 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हार्ड कॉपी भेजनी है एप्लीकेशन की रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसकी लास्ट डेट है 2 जुलाई 2022। उसी के साथ यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 37, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है वो भी यहाँ पे गिवन है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे गिवन है। तो आप देख सकते हैं, तो 37 वैकेंसीज है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ओडिशा। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। एक्सपीरियंस और एज के बारे में जानकारी गिवन है। मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CNI के लिए 3 से ज़्यादा साल का, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 41 ईयर्स। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का मिनिमम रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से ज़्यादा साल का, और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 41 ईयर्स। तो जो एज लिमिट है वो है 21 से 41 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन गिवन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का, वुमेन के लिए है 5 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है 10 साल का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन है ONM इंजीनियर के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और इक्विवेलेंट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। SC और ST और PWBD कैंडिडेट के लिए मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 50%। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए फाइनल एग्जाम पास किया होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन एसेंशियल और डिजायरेबल गिवन है। ONM मैकेनिकल असिस्टेंट मैनेजर के लिए होना चाहिए डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इक्विवेलेंट में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और डिप्लोमा होना चाहिए MBTI और CEA अप्रूव्ड होना चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रिफर किया जाएगा। 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 41 ईयर्स होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन है ONM मैकेनिकल CHP का जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इक्विवेलेंट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। डिप्लोमा होना चाहिए NPTI से और CEA से जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा अप्रूव किया गया हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे हर पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं या फिर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। हर डिपार्टमेंट के आगे उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। सिलेक्शन प्रोसेस गिवन है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का असेसमेंट है, जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया किसी भी पोस्ट के लिए, वो पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा ही सिलेक्शन किया जाएगा। मेडिकल फिटनेस प्लेसमेंट अप्लाई कैसे करना है वो भी गिवन है। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है OPGC की वेबसाइट पे जाके, करियर सेक्शन पे जाके, वेबसाइट है www.opgc.co.in पे जाके, करियर सेक्शन पे जाके कैंडिडेट को अप्लाई करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, कितने डायमेंशन और कितना फाइल साइज होना चाहिए वो भी यहाँ पे गिवन है। और कैंडिडेट को इंश्योर करना होगा कि जो पासपोर्ट साइज़ वो अपलोड कर रहे हैं वही पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उनको यूज़ करनी होगी। और कैंडिडेट को जो है वो 5 जून 2022 से 26 जून 2022 तक अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करना होगा और उसके बाद केयरफुल इसको फिल करना होगा। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी उनको इस गिवन एड्रेस पे सेंड करनी होगी। तो अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को इस गिवन एड्रेस पे एप्लीकेशन के साथ अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भेजनी होगी डॉक्यूमेंट्स की और इस गिवन एड्रेस पे भेजनी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जानकारी गिवन है। आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करें अप्लाई करने से पहले।
सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। दोस्तों मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है, और आप चाहें तो आप इस इवेंट को शेयर भी कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ, और इस इवेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस इवेंट को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग की मदद के लिए डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और नीचे एक रिप्लाई बॉक्स गिवन है जहाँ पे अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो तो राइट अ रिप्लाई सेक्शन पे जाकर रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।